बटियागढ़ में जय जय सरकार श्री अजब धाम फतेहपुर में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कथा व्यास श्री 1000 अनंत श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती के कृपा पात्र स्वामी श्रवणानंद सरस्वती महाराज के मुखारविंद से श्री रामचरितमानस महायज्ञ एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज श्रीमद् भागवत कथा का आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन श्रीमद् भागवत कथा में महाराज कथा व्यास श्री स्वामी श्री श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा भक्त और भगवान की भक्ति के बारे में कथा का श्रद्धालुओं को रसपान कराया गया। महाराज जी ने कथा में श्रद्धालुओं को श्रवण करवाया कि अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, अभिमान हमेशा नहीं रहता। मां के त्याग की कथा सुनाते हुए महाराज जी ने कहा कि मां अपने पुत्र को हमेशा सूखे में सुलाती है और स्वयं गीले में सोती है। इस तरह से आज अजब श्री धाम फतेहपुर में कथा के आखिरी दिन भक्तों का सैलाब उमड़ा और कथा में लीन होकर श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण की। अब उतनी लीन रखी हो तो भोजन कैसे रखी करेगा। वो फकीर के पास महात्मा के पास फिर गए महाराज, रो कर कहने लगे इतनी भीड़ अभी भी रह जाती है। बोले तुम्हारे राज्य में चना भूनने वाला खरबूजा है, वो आपकी निंदा नहीं पूजा है, किंतु मेरे गुरुदेव ने कहा है कि कभी किसी की निंदा मत करो। मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता, किसी के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करता, उसी के कारण हमको व्यक्ति की पहचान हो जाती है। वो अपना भजन करता हुआ चना भूनता रहा। थोड़ी देर के बाद राजा ने फिर कहा कि आपका इस विषय में क्या मानना है। तो बड़बूजे ने हाथ जोड़ करके कहा कि राजन, वो लीर मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हें ही खानी पड़ेगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो प्रेस न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।